कितने सुकून से बैठी हुई है, डरती भी नहीं है, ऐसे मुझे गौर लगा के देख रही है। क्या मसला है? आओ। ओ हो अब भाग गई। जो कल घास हमने फेंके उसका मुर्गियों ने ये हाल किया। दो बॉक्स में है लेकिन वो भी नीचे फेंकने की कोशिश कर रही है। इन दो बॉक्स से फेंक दिया गया, इस बॉक्स से भी फेंक दिया गया। इन दो बॉक्स में है, इसको इसलिए नहीं फेंकेंगी क्योंकि इसमें वो अंडे देती हैं। एक अंडा मैं सुबह यहाँ से उठा कर ले गया था और दो अंडे भी यहाँ से और मिल गए हैं। यहाँ पर घास होना लाजमी है, अगर नहीं होगा तो फिर अंडे टूटने का डर रहता है। मैंने फिर इन दो बॉक्स में घास रख दिया, इसमें दोबारा से रख देते हैं, कोई बात नहीं। इनका काम है घास फेंकना और हमारा काम है घास को दोबारा से रख देना। सिल्की मुर्गा हमारा रात से इधर ही है और इन सब मुर्गों के दरमियान कोई भी फाइट नहीं हुई। चार मुर्गे यहाँ पर हैं और चारों अलग किस्म के हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अब ये वाला सिल्की मुर्गा, असील मुर्गा, ये हेरिटेज का मुर्गा, ये तीनों जो है ना, ये तब तक यहीं पर रहेंगे जब तक हम प्रॉपर मुर्गों के लिए कोई सेटअप नहीं बना लेते, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो सेट बहुत ही जल्द तैयार होने वाला है, बहुत ही जल्द उसका काम शुरू हो जाएगा। अलग अलग केजिस बनेंगे, अलग अलग इनके घर बनेंगे और फिर सारे यहाँ से शिफ्ट होकर उस तरफ चले जाएंगे। अच्छे से खाने पीने के बाद ये सुकून फरमा रहे हैं हमारे चार्ली साहब। दूसरे दोनों भी यहाँ पर खड़े हैं और इन्होंने बिल्कुल शोर नहीं मचाया हुआ। इनको जब भूख लगेगी इन्होंने शोर मचाना शुरू कर देना है, या फिर जब इनके बाहर जाने का वक्त होगा तब ये शोर मचाएंगे। खरगोश की दोनों फीमेल के पेट में बच्चे हैं, इसीलिए हर वक्त ऐसे सुकून से बैठी रहती हैं। देखें अभी भी ये बिल्कुल सुकून से बैठी हुई हैं, और ये एक फीमेल, दूसरी फीमेल ये वाली है शायद, अब पता ही नहीं चलता क्योंकि ये मेल जितनी मोटी मोटी हो गई हैं। रात को ही मैंने यहाँ पर एक बाल्टी रख दी थी और दोनों फीमेल ना बारी बारी उसके अंदर जा रही थी, लेकिन अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने देखा यहाँ पर लैला मजनू घुसे हुए थे। इस बाल्टी को देखकर लैला मजनू का दिल है यहाँ पर अंडे दे, अभी वहाँ पर खा रही हैं। इस बेचारे बच्चे को किसी कबूतर ने इतना ज्यादा जख्मी कर दिया था, फिर इसको मैं निकाल कर ले आया, इस बास्केट में इन दोनों को रख दिया। सुबह से मैं तीन दफा इनको दवाई लगा चुका हूँ और इसकी आंखों में कतरे वगैरह भी डाल चुका हूँ। अभी अभी मैंने इसकी आंखों में कतरे डाले और इनकी माँ वहाँ पर सामने बंद है। दाना वगैरह मैंने डाल दिया, इनकी माँ खा भी रही थी और एक दफ़ा मैंने देखा भी था इनको भी फीड करवा रही थी, तो इसलिए अब कुछ दिन तक जब तक ये बड़े नहीं हो जाते इनको हमें यहीं पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये ठीक है, इनकी माँ नहीं नहीं यहाँ पर शिफ्ट हुई है ना, बेचारी डर रही है। आज अभी तक हमने असील मुर्गी को सुबह से निकाला ही नहीं है, तो इसलिए इसको निकाल देना चाहिए, ऐसा ना वो भूख में आकर ये अपने अंडे ही ना खाना शुरू कर दे। अभी इसका पोटा बिल्कुल खाली है, अंडे तो नहीं तोड़े, अंडे इसने नहीं तोड़े, इसलिए इसको हम यहाँ से उठाते हैं और सीधा दाने के पास ले जाते हैं। चलो जल्दी से दाना खा लो। इसको मैंने सुबह से काफ़ी देर के लिए चलाया हुआ था और अभी इसका जो पानी है ना वो गंदा गंदा हो गया, मछलियाँ सारी नीचे चली गई हैं, हमारा कछुआ भी अंदर ही चला गया। ज़्यादा देर चलने के बाद ना वो अंदर ही चले जाते हैं, बाहर ही नहीं आते। मैंने जो खुराक डाली थी वो सारी खा कर ना फिर दोबारा से नीचे चले गए हैं, और हमारी जो कल दो मछलियाँ थी ना, एक मर गई थी और एक थोड़ी थोड़ी सुस्त थी, मेरे ख्याल में वो भी मर चुकी है क्योंकि एक दफ़ा मैंने सुबह देखा था ना उसकी मूवमेंट बहुत कम हो गई थी, और अभी तो वो बिल्कुल ऊपर है ही नहीं, हो सकता है अभी मर गई हो। छोटे छोटे चिकंदर मुझे नज़र आ गए हैं, ये तो बाहर आ गए हैं ज़मीन से, यहाँ पर भी ये थोड़े से बड़े हो गए हैं। ये बैंगन है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। ये रही मूलियाँ जो कि बिल्कुल छोटी छोटी हैं, उस तरफ हैं शलजम, और ये हैं गाजरें, गाजरें वो हैं, और ये साग। हमारे बाबा जी इस चक्कर में कल से फंसे हुए हैं और ये चक्कर इसी वजह से ना चल नहीं रहा क्योंकि बाबा जी की मछली जो है ना इसके अंदर अटक चुकी है। एक्वेरियम बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है और इस दफ़ा हमने एक्वेरियम के साथ कुछ और करना है। मैंने शायद आपको एक दफ़ा पहले भी बताया कि इस दफ़ा हम ये वाले पत्थर जो है ना वो नहीं रख रहे। मेरे कज़न है, उनका तजर्बा एक्वेरियम के मामले में कुछ ज़्यादा है, तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया है कि इसके अंदर आप डालो रेत, जो समंदर वाली रेत होती है, वो फिर ये गंदा भी जल्दी नहीं होगा और दूसरा उसको बार बार साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी दिन वो चल जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस दफ़ा हम जाएंगे तो यहाँ के लिए जो पत्थर है ना ये निकाल लेंगे, हम लाएंगे रेत, पौधे वगैरह वैसे ही लगेंगे, बाकी चीज़ें लगेंगी, और रेत जो है ना उसमें मेरे ख्याल में मछलियाँ ज़्यादा खुश रहेंगी। बाबा जी कुछ ज़्यादा ही उस तरफ हो गए हैं, बाबा जी को हमने करना है इधर। हाँ अब ये ठीक है, बाबा जी भी ठीक हो चुके हैं और ये व्हील भी चलना शुरू हो गया। पिजेंट को एक दो दिन से नहीं निकाला तो आज इनको निकाल देते हैं, अभी तक इन्होंने कोई अंडा नहीं दिया। पता नहीं इनका ब्रीडिंग सीजन क्या होता है, मुझे तो ठीक से नहीं पता क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम रखे हैं। मेरे ख्याल में जो सर्दियां आ रही हैं ना उसमें ही ये अंडे देंगे। इसकी फीमेल मुझे सामने नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर चली गई है। अब ये नहीं पता उसने अंडे दे दिए हैं या फिर वैसे ही बैठी हुई है या फिर अंडे देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इनका सीज़न भी अब स्टार्ट हो चुका है। राजू ने मुझे देखा हुआ, कब से सीटियाँ बजाई जा रहा है, राजू राजू बोल रहा है। राजू क्या मसला है?
अब इसका दिल कर रहा है कि ये मेरे पास आ जाए थोड़ी सी देर के लिए ना, क्योंकि इसको लाड प्यार बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। राजू आ जाओ, चलो चलो आ जाओ, अब मेरे पास आ चुके। अब बताओ क्या मसला है। अब ये नहीं बोलेगा जब ये अकेला होता है ना या मैं दूर होता हूँ, तब ये इतना ज़्यादा बोलता है ना, स्वीटी अब जाता है ऐसे मुझे बुलाता है। और सबसे ज़्यादा तो ये राजू राजू, शायद इसने मेरा नाम राजू रखा हुआ है और हम इसे राजू बुलाते हैं। दोस्तों इस वक्त मेरे पास हो चुकी हैं तीन चीज़ें जो कि टेम है, एक राजू, दूसरा पार्टनर, और तीसरी चीज़ भी जो है ना वो हाथ पे बैठती है और कंधे पे आती है। आप तो समझ चुके होंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, आप इसको कबूतर ना समझें, ये बिल्कुल ट्रेन है। और बिल्कुल ऐसे ना जैसे राजू आता है ना हाथ पे, ऐसे ये भी हाथ पे बैठता है, बल्कि राजू तो उड़ नहीं सकता, ये उड़ भी लेता है और इसको हम ऊपर फेंकते हैं। ये आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ एक वीडियो में, ये वही टेम कबूतर है जो एक भाई के पास हमने देखा था, उन्होंने रात को मुझे ला कर दे दिया। उन्होंने कहा ये आप रख लें यार, आप अच्छे से केयर करते हैं, हम अच्छे से केयर नहीं कर पाते, हमारे पास टाइम नहीं होता। और उन्होंने सिर्फ एक रखा हुआ था और एक की भी वो केयर अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, तो अभी इसको बाहर निकालते हैं। ये सुबह से ना घर वालों के पास था, कभी घर वाले उठा रहे हैं, कभी मैं उठा रहा हूँ, क्योंकि नया नया ना, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं तो इसको फीमेल समझ रहा था, लेकिन मुझे अभी थोड़ी सी देर पहले पता चला ये मेल है। ये काटता भी है, शरारतें भी करता है, उठता भी है। तो इसको बस निकालती हैं भाई और आपको दिखाता हूँ, अभी भी ये गुटर गूं कर रहा है। हाँ जो क्या मसला है, उई ये देखें काट रहा है, काट रहा है। इसको पता नहीं गुस्सा इस बात का शायद कि मैंने इसको यहाँ पर बंद क्यों कर दिया, मैंने ये दरवाज़ा खोल दिया, अब ये खुद भी आ सकता है। लेकिन इसको हम बाहर लेकर जाते हैं। और ये बास्केट को कहाँ ले आई है, ये तो मैंने वहाँ पर रखी थी उस कॉर्नर में, यहाँ पर इस कॉर्नर में रख देते हैं। यहाँ पर ये ठीक है। अब पता नहीं अपने बच्चों को ये फीड करवा रही है या नहीं करवा रही, लेकिन करवा देगी। यहाँ से ये दाना खा रही थी ना, तो पक्का उनको फीड भी करवा देगी। हमें इसको निकालना है, आ जाओ। ओए काट क्यों रहे हो, मैंने क्या किया, ये देखें काटता कैसी है, इसको गुस्सा आया हुआ है। इसको हम यहाँ से ये देखें, चलो जी आ जाओ, ये आ गया। तो ये हमारा टेम पिजन। सारे कह रहे थे आप एक कबूतर को टेम करें टेम करें, तो हमें टेम हुआ कबूतर जो है ना वो मिल चुका है। जूते मैं यहाँ पर उतार देता हूँ और अभी हमारी रेस लगने वाली है, मतलब मैं भागूंगा और ये मुझे पकड़ेगा। ये मैंने उड़ा दिया, अब ये मेरे पीछे पीछे जिधर जिधर मैं जाऊंगा मेरे पीछे पीछे, ना 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 ना, ये देखें। और ये आ गया, मतलब मैं जिधर भी जाता हूँ ना मैं इसको उड़ा देता हूँ, ये मेरे पीछे पीछे आ जाता है, मेरे साथ साथ उड़ता है। मैं अब काफ़ी देर इसके साथ ऐसे ना भागम भाग खेल रहा था, अभी देखिएगा मैं इसको दूर ले जाकर छोड़ूंगा और ये मेरे पीछे कैसे कैसे आता है। आपने देखा जहां पर भी मैं जाता हूँ ये मेरे पीछे पीछे आ जाता है। चलो तुम यहाँ पर बैठकर दाना खाओ, मैं जल्दी से बंटी और बबली को देख लूँ। ये दाना नहीं खाता ऐसे जमीन पर बैठ के, ये बहुत डीठ है, मैं इसको जमीन पर बैठाता हूँ ये उड़कर आ जाता है। शुक्र है इसने खाना शुरू कर दिया अभी बैठ गया। इसने भी मुझे देखकर जंप मारी है, उसके ऊपर जाकर चढ़ गई है, उसको भी डिस्टर्ब कर दिया बेचारे को, वो भी सो रहा था। ये इस बॉक्स के अंदर नहीं जा रहे, पता नहीं इनको क्या मसला है, ये बॉक्स इन्हें पसंद नहीं आया। तो अच्छी बात है, हम इनको जब नीचे लेकर जाएंगे ना, इनको बहुत प्यारा सेटअप मैं बनाने वाला हूँ, मतलब इनका नहीं सारे परिंदों का, जितने भी बाहर परिंदे हैं ना, ताकि आगे जो सर्दियाँ आ रही है ना उससे इन सबको बचाया जा सके। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसने अब दाना देख लिया, दाना भी नहीं खा रहा, छोटे छोटे पत्थर उठा के खा रहा है। चलो छोड़ो पत्थरों को, ऐसे नहीं आ रहा, आगे आगे भाग रहा है, किधर किधर किधर, अभी उड़ो ना उड़ो। हाँ अब ठीक है आ जाओ, अब मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ मास्टर केज में। चलो तुम यहाँ पर बैठो, यहाँ पर बैठ जाओ, बैठो चलो उड़ो फिर, ये मेरे पास ही आएगा दोबारा से। इसको यहाँ पर बैठाते हैं, अच्छा मेरे कंधे पे आके बैठ गया। नॉर्मली ये सर पे आके बैठता है, जब ऊपर उठता है ना तो सर पे आकर बैठ जाता है। यहाँ पर ये कौन सी डब है, ये वाइट वाली डब का मेल है, ये अभी कोई अंडा नहीं पड़ा हुआ, मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये ऐसे ही बैठा हुआ है, उड़ जाएगा। तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते एक कॉर्नर में, और बच्चे मुझे यहीं से नज़र आ रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते। बाकी सारी यहाँ पर हमारे दोनों कबूतर, ये दोनों, इसकी आँख पे क्या हुआ है, इसको किसी ने कुछ करा है? नहीं, ऐसे इसके मुंह पे ना कुछ लगा हुआ है। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, सिर्फ बटेर यार डायमंड डब जो है ना, ये बच्चे भी नहीं दे रही, अंडे भी नहीं दे रही, ऐसे ही है। हालांकि ये दो मेल और दो फीमेल है। अभी यहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला हूँ, वरना मैं ये सोचा था यहाँ पर कोई इसको उड़ाता, मैं वहाँ पर नीचे होता, इसको यहाँ से ऐसे छोड़ा जाता, तो ये जब ये देखें अब इधर आ रहा है ना, इधर ना आता बल्कि मैं उधर खड़ा होता ना, मैं इसको इशारा करता ये मेरे पास आता। और आज तो इसने ना सुल्तान की याद ताज़ा कर दिया, मतलब सुल्तान भी यहाँ से निकलता था ऐसे उड़ के ना वापस आ जाया करता था।
और ये भी आज उसी तरीके से ना, मैं इसको छोड़ता हूँ ना तो मेरे पास आ रहा है। वो तीन जंगली कबूतर अभी यहाँ पर बैठने वाले थे, मुझे देखकर ना एकदम से यहाँ से चक्कर काट कर उस तरफ निकल गए। हमारे जो ऊपर वाले दोनों कबूतर हैं, अभी तो धूप इतनी ज्यादा है, लेकिन यहाँ से खा पी कर ना वापस अपने अपने बॉक्स में चले गए। अब तो कन्फर्म है वो दोनों मेल है और उनको दो फीमेल चाहिए जो कि हमने लेकर आनी है। हमारा कबूतर वहाँ पर है, अब इसने शायद मुझे देख लिया नीचे आते हुए। मैं यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आऊंगा ना, अब उसको टेंशन शुरू हो गई है। अब आएगा ये इधर इधर इधर, मैं इधर नीचे जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरी ही तरफ आ रहा है, ये आ रहा है ये आ रहा है। ये मतलब इंसानों के साथ रहना शुरू से, तो इसको अकेला रहने की आदत नहीं है। अब जहाँ भी मैं जाऊँगा ये मेरे पीछे पीछे आएगा। अभी यहाँ से काम करते हैं हम, यहाँ से उतर जाते हैं नीचे, ये खुद ही यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी आएगा, सामने आएगा। किधर गया किधर गया, इधर इधर, हाँ ये। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं इधर जा रहा हूँ, आएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, नीचे आना है, आगे नहीं चल कर आना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाएगा, कहाँ तक जाएगा। जो ही मैं यहाँ से इस तरफ होऊंगा ना, अभी इधर 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 आ जाओ, आ गया और ये आ गया। देखें इतना अच्छा है, मेरे पास आने की भी कोशिश कर रहा है और साथ में इसका दिल है इस पानी के अंदर नहाने का, इसलिए इसको मैंने चलाया। थोड़े थोड़े कतरे बाहर को जा रहे हैं ना, तो ये अपने परों को ऐसे ऐसे भी कर रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं आ रहा, थोड़ा सा घूम के आ रहा है, मेरे पीछे भी जा रहा है। और फाइनली मैंने इसका नाम भी सिलेक्ट कर लिया है। मैंने सोचा मैं वोटिंग करूंगा, आपसे पूछूंगा, फिर आपके कमेंट्स आएंगे, उसके बाद हम इसका नाम रखेंगे। तो मुझे एक नाम इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो वो मैंने रख ही दिया। तो हमने इसका नाम रखा है, वो है जैक। जैक बहुत ही प्यारा नाम है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने इसका नाम भी जैक रख दिया। अब ये मेरा पार्टनर है, दो पार्टनर मेरे पहले हैं, लेकिन वो मेरे पास थोड़े से आसानी से नहीं आते, मुश्किल से आते हैं, उनको बुलाना पड़ता है। लेकिन जो जैक है ना, ये सारा दिन यहाँ पर घूम भी सकता है मेरे साथ, यहाँ पर रहेगा और जहाँ भी मैं जाया करूँगा ना, ये मेरे पीछे पीछे खुद आया करेगा। जैक के पर थोड़े थोड़े गंदे हैं ऊपर से, शायद इसको सारे हाथ में पकड़ देते ना इसलिए। तो एक काम करते हैं, जैक किधर भाग रहे हो यार, इधर आओ ना, इधर आओ, इधर मेरे पास आओ। जब ये उठता है ना तब आता है, ऐसे ज़मीन पर आओ तो ये लिफ्ट ही नहीं करवाता। चलो जैक को हम रखते हैं यहाँ पर, ताकि जैक यहाँ पर तो ज़्यादा पानी आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। जैक यहाँ पर, ये क्या, जैक तो नहा ही नहीं रहा, यहाँ पर हम इसको रखते हैं। चलो जैक थोड़ा थोड़ा नहा लो, जैक डर गया पानी से। अच्छा ठीक है, नहीं नहलाते, जैक पानी से डर गए, इसलिए हम जैक को पानी के करीब नहीं लेकर जाएंगे। ओहो राजू को जलन हो रही है, राजू को गुस्सा आ गया मेरे हाथ में जैक को देखकर, और मुझे आवाज़ें दे रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे घर से कोई आवाज़ें दे रहा हो। मैं घर जाकर पूछता हूँ, मुझे पता चलता है किसी ने नहीं बुलाया, फिर ये पता चलता है कि ये मुझे बुला रहा है। अभी भी वहाँ पर गुस्से में बैठा हुआ, परों को फुलाकर सीटियाँ बजा रहा है और साथ मुझे बुला रहा है। इसका मैंने नाम भी रख लिया है, क्या काट रहे तुम्हें, जैक। ये है हमारा जैक, पता लगा मैंने क्यों रखा है इसका नाम जैक। अच्छा आपको पसंद है ना जैक स्पैरो। हाँ जी, इसको पता चल चुका है मुझे ना जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से ना मैंने इसका नाम जैक रख लिया। तो अब मैं और मेरा जैक, कैप्टन जैक, हम दोनों इकट्ठे रहा करेंगे। ये क्या, अभी अभी तो ठीक था, सांसें चल रही हैं इसकी, अंदर जाते हैं। इसको क्या हो गया, ये तो मरता जा रहा है, इसकी एक आंख खुली हुई है, आंखें खुली हुई हैं, इसको हुआ क्या है, इसको तो मोशन लगे हुए हैं और पता ही नहीं है। अभी मुश्किल ही है इसका बचना। जैक इधर आओ, ये देखो मर चुका है, बिल्कुल मरता जा रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक था, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये एकदम से कैसे, और ये है भी मेल। ओहो इसको मोशन लगे हुए थे, कोशिश करते हैं जल्दी से इसको दवाई देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी इस पर दवाई असर करेगी। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो शायद मैं इसको बचा लेता। मर चुका है, अब जाने का कोई फायदा ही नहीं है। ये बजीज इतने नाजुक होते हैं, इनका पता ही नहीं चलता। आज की दूसरी टिप, अगर आपके बजीज को या किसी भी परिंदे को मोशन लगे हैं, तो मोशन के लिए जो सबसे अच्छी दवाई है वो इंसानों की जो फ्लैजल है सिरप, वो एक लीटर पानी में एक ढक्कन डाल दें और तीन चार दिन तक इनको दें। अगर बहुत ज़्यादा मोशन है तो फिर दो तीन कतरे इनके मुंह में डाल दें, ये जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर मुझे इसका पहले पता चल जाता, कलोनी का यही नुकसान होता है कि अगर कोई परिंदा बीमार हो जाए तो जल्द उसका पता नहीं चलता। अब इतने ज़्यादा है इनमें से पता नहीं चलेगा किसको मोशन लगे हैं किसको बुखार है, कलोनी का यह नुकसान होता है। लेकिन कलोनी का फायदा ये है, एक ही जगह पर देखें, अभी एक जगह पर दाना डाले तो उन्होंने सब ने ना खाना शुरू कर दिया है। अकेले अकेले केजेस में ये फायदा होता है, हमें कोई भी परिंदा बीमार हो उसका पता चल जाता है, और जो ही वो बीमार होता है
हम उसको बचा सकते हैं। आज ना हमारे इस बड़े वाले दरख्त की कटाई हो रही है। कटाई से मुराद मतलब हम सारा नहीं काट रहे, इसकी हिजामत हो रही है साइडों से ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना फैल गया था, ऐसे नीचे को आ रहा था। तो हमने सोचा कि जो नीचे वाली साइड है ना इनको काट देते हैं ताकि इसके पत्ते जो है अच्छे से निकले। तो यहाँ पर माली भाई कुछ काट चुके हैं नीचे नीचे से, ये वाली साइड क्लियर हो चुकी है, अब दूसरी वाली दो साइड रह चुकी हैं। और ये मोबाइल देखें कितना बड़ा मोबाइल है, कितना होगा 3 इंच का भी नहीं है, पूरा एक उंगली से भी छोटा है, इस छोटे का जितना से ये खुद है उतना सा इसका मोबाइल है। तुम्हारा है ना जी। हाँ तुम तो कह रहे हो दादा अबू का है। हाँ तो कहता है कि समझो मेरा ही है, दादा अबू का है तो समझो मेरा ही है। ये वाला शापुर काफी दिनों से यहीं पर अटका हुआ था, अभी हम इस तरफ से काट रहे हैं, सीढ़ी हमने लगा लिया क्योंकि उस तरफ ना हम जा नहीं सकते बिना सीढ़ी के। बच गया मैं, बच गया। तो अभी हमने इस तरफ से काटा है, मुझे पक्का पता था कि इन तीनों ने नहीं रहना, ऐसा ही हुआ है। पता नहीं कहाँ से उन्होंने पत्ते देख लिए हैं और आ चुके हैं, इतने ज़्यादा पत्ते पड़े हुए हैं लेकिन फिर भी ये लड़ाई कर रहे हैं, इनको पता नहीं क्या टेंशन है, इतने ज़्यादा पत्ते हैं लेकिन फिर भी लड़ाई हो रही है, एक कह रहा है मैंने खाना है, दूसरा कह रहा है मैंने खाना है। भाई साहब ये तो डर ही नहीं रहा, डर गया। कब से खाए जा रहे हैं और मुझे ये भी नहीं पता ये वाले जो पत्ते हैं ना इनके लिए अच्छे हैं या नहीं है, बस इनको क्या पता, इन्होंने तो खाना है ना, अगर ये बीमार हो गए फिर तो मुझे इनको दवाई देनी पड़ेगी। लेकिन ये वाले जो पत्ते हैं ना पीले पीले, नहीं ये नए वाले निकले हैं, अबू कह रहे हैं कुछ नहीं होता इनको खाने दो। फाइनली जी हमारा दरख्त सेट हो चुका है, जो टहनियां नीचे नीचे को झुकी हुई थी माली भाई ने काट दी, अब यहाँ से उन्होंने सेटिंग करनी है और जो पत्ते साइडों पे आए हुए हैं उनको माली भाई कैंची से काट कर बिल्कुल लेवल में काट देंगे, तो हमारे ये जो दरख्त है ना और ज्यादा प्यारा हो जाएगा। आपने जरूर बताना है कि आपको हमारा जैक कैसा लगा, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया, मुझे तो उससे प्यार ही हो गया। अभी मुझे जाना है, एक दफ़ा जैक को देखना है, कबूतर के बच्चों को देखना है और बाकी अपने सारे परिंदों को देखना है। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं से ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।